वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बजा है दिन का 11 और आई एम ऑल रेडी। नहा धो चुके हैं, चाय वाय हो गई है, सब हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कैमरा पकड़ा जाए। और बहुत गर्मी है, बहुत अजीब सा मौसम है बाहर। मतलब यू कांट स्टॉप स्वेटिंग। अगर आप एक मिनट के लिए भी बाहर निकले हो एसी से, तो बस आपके जो है तुरंत मत्थे पे पसीना, नाक के ऊपर पसीना। सो खैर, तो अभी अपन जा रहे हैं गेहूँ पिसाने। जी हाँ, हमारे घर में गेहूँ मतलब गल्ला आता है, साल भर में एक साथ ही आता है। तो फिर मम्मी लोग गेहूँ वगैरह बनाती हैं, फिर पिसवाने जाते हैं। तो अभी अपन जा रहे हैं गेहूँ पिसवाने। अपन जो है गेहूँ जो है चक्की पे डालकर आ गए हैं। अभी वो लगभग 1 घंटे बाद मिलेगा, तो फिर उठा लाएंगे। तो अभी मीन वाइल अपन जो है एक कुरियर करना है अपने को, तो अपन बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मैं क्या कुरियर करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ वॉट आई हैव टू कुरियर। एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेता हूँ ठीक ठाक, तो ये पेंटिंग जो मैंने ऑर्डर पर बनाई है, तो येस आई डू मेक पेंटिंग्स ऑन ऑर्डर। तो अगर कभी किसी को चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाई है एक्चुअली, और ये मुझे किसी ने बोली थी बना के भेजने के लिए। एक्चुअली लेट हो गया है काफ़ी, क्योंकि मैं बीच में बालाजी चला गया और उधर बीच में जिन जिनको मुझे भेजनी है वो भी नहीं थे। तो अब फिर से टाइम हमारा मैचअप हो पाया है, तो नाउ आई एम सेंडिंग इट। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है, देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है ओवरऑल। तो ये बाबा का हाथ है, भोलेनाथ का हाथ है, और ये एक नॉर्मल मैन का हाथ है, या फिर यूं कहो जिनके लिए मैंने बनाई है पेंटिंग, ये उनका हाथ है। तो बस बाबा सदा उनका हाथ, और वो बाबा का हाथ पकड़े रहे, और बस लाइफ में और क्या चाहिए। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा इनोवेशन करा है, लाइक थोड़ा सा बीच में से थोड़ा सन जैसा दिया है ये थोड़ा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेल पत्रियाँ बनाई हैं ब्राउन पे। तो ये थोड़ा इसको जो है और ज़्यादा ऑड ऑन कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि जब ये इसका फाइनल लुक आएगा ना, तो इट्स गोना लुक ब्यूटीफुल। जब ये फ्रेम व्रेम हो जाएगी और उसके बाद इट्स गोना लुक डैम ब्यूटीफुल। तो अब फिलहाल इसको लगानी है कुरियर, तो अब चलते हैं इसको कुरियर लगाते हैं। मैं सोच रहा था कि लगे हाथ क्यों ना, जब मैंने ये पेंटिंग दिखा दी है तो मैं अपनी आपको बाकी और सारी पेंटिंग्स भी दिखाऊं जो मैंने बनाई हुई हैं। तो चलिए आपको अपनी सब पेंटिंग्स दिखाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली जो थोड़ी बहुत बनाई हैं, तो उसमें सबसे पहली पेंटिंग बनाई थी मैंने, वो थी ये है हनुमान जी महाराज हैं, ये वानर महाराज हैं, ये जो है सुंदरकांड पढ़ते हुए। तो ये मैंने बनाई थी, और ये देखिए कितनी, और ये काफ़ी बड़ी है, और ये मतलब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और ये कितनी खूबसूरत है आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सीरियस, ये जो है ये मैंने उस पर क्या बोलते हैं हैंडमेड पेपर पर बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको डबल फ्रेम करवाया है, और इट्स लवली, इट्स ब्यूटिफुल। ये इसका ओवरऑल ये इसका लुक आता है, ये कई बार मेरी उसमें आपको दिखती भी होगी। तो ये है इसका लुक, और ये बहुत खूबसूरत है। ये मेरी पहली पेंटिंग, मेरी सेकेंड पेंटिंग। एक्चुअली पेंटिंग्स मैंने और भी बनाई थी जो मैंने ऑर्डर पे बनाई थी, वो तो सारी चली गई हैं, मेरे पास है नहीं। तो अगर होती तो मैं ज़रूर दिखाता, तो होपफुली मैं उनकी जो है पिक्चर्स के क्लिप्स ऐड कर दूंगा लास्ट में। तो एक ये देखिए, ये है कृष्ण जी हैं, ये मैंने बनाई थी, देखिए कितना खूबसूरत काम है इसका, सो ब्यूटीफुल। ये एक्चुअली मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है, और इसमें सबसे ज़्यादा महीन काम हुआ हुआ है। तो आप देख रहे हो जैसे प्रॉपरली इनको जैसे गहने पहनाना, ये सब हाथों में, ये सब, और ये मुकुट में एकदम बिल्कुल डिटेल डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। सो सी, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये भी मैंने ही बनाई है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल।
और उसके बाद फिर आइए ये दिखाते हैं, ये भी मैंने बनाई थी। ये जो है ये एक्चुअली, इसको जब मैंने बनाई थी तो मुझे पता नहीं था कि इस आर्ट फॉर्म को बोलते क्या हैं, बस मैंने ऐसे बना दी थी। फिर बनने के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इस आर्ट फॉर्म का नाम होता है पिछवाई आर्ट होती है ये, और ये ऐसे ही होती है, मतलब इतनी खूबसूरत है। इसमें देखिए, मैंने मेरी एक फ्रेंड ने फिर मुझे सजेस्ट किया बाद में कि इसके बॉर्डर में ना जो गाय माता के पैर के खुर होते हैं ना, जो पैरों के निशान होते हैं वो बनाओ। तो ये पूरे मैंने बॉर्डर में फिर वो बनाया था पूरे बॉर्डर पे, और ये देखिए कितनी ये खूबसूरत आई है ओवरऑल, एंड इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो ये मैंने बेसिकली अपने घर के लिए बनाई थी पेंटिंग्स, और कुछ मैंने ऑर्डर पर भी बनाई हैं, तो वो उनकी मैं फोटो। ये देखिए, ये विष्णु जी हैं क्षीर सागर में जो हैं, शेषनाग पे विश्राम करते हुए, ये भी मैंने बनाए थे। तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये भी मैंने ही बनाई थी अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने ये सारी पेंटिंग्स जो हैं सब मील वेल मैंने मतलब अपने घर के लिए ही बनाई थी। तो फिर लोगों ने मुझे सजेस्ट करना शुरू किया कि लाइक यू कैन डू समथिंग गुड अबाउट इट, तो तुम क्यों नहीं अपना मतलब इसको एज फ्रीलांसिंग और एज अ प्रोफेशन क्यों नहीं लेते हो। तो फिर बाय चांस मुझे कुछ ऑर्डर्स मिल गए पेंटिंग्स के, तो फिर मैंने पेंटिंग्स ऑर्डर्स पे बनाई दो, मतलब कुछ पेंटिंग्स जो मैं अभी कुरियर करने जा रहा हूँ इसको मिला के कुछ पेंटिंग्स मैंने ऑर्डर पे भी बनाई। तो आपको मेरी सारी पेंटिंग्स जो हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक है चैनल पे नीचे, और आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे मेरी सारी पेंटिंग्स हैं, और अभी मेरी एक पेंटिंग इन प्रोसेस है, वो है, वो अभी आपको जल्दी किसी दिन मेरे ब्लॉग में पेंट करते हुए दिखेगी। तो वो मुझे एक्चुअली किसी को गिफ्ट करनी है, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो फिर बस मैंने ऐसी पेंटिंग्स बनाना शुरू की, तो देखिए अच्छी अच्छी बनती जा रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं। तो अच्छा लगता है जब आपका कोई काम जो है सराहा जाए, व्हेन पीपल अप्रिशिएट योर वर्क। और इट्स नॉट लाइक कि मैंने कोई आर्ट क्लासेस ज्वाइन करी या मैंने कहीं से सीखा या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड। तो जो चीज़ें गॉड गिफ्टेड, लाइक मैंने लिटरली अराउंड 10 साल बाद ब्रश उठाया था, अभी से 2 ढाई महीने पहले, और देखिए कितने अच्छे बजरंगबली बाबा जो मैंने भी आपको दिखाए बने थे। तो बस वहीं से शुरुआत हुआ। तो अगर कोई चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड है, आपके अंदर अपने से ही है, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते। आप जब करोगे यू विल डू इट इन द बेस्ट वे, इन द नेचुरल वे, इन द ब्यूटिफुल वे आउट देयर। लोगों को पसंद आई तो लोगों ने कहा ठीक है हम ऑर्डर पे बनवाएंगे, तो मैंने बना के दी। तो वो सारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे दिख जाएंगी, नहीं तो मैं जो है अभी जब आज के इस ब्लॉग में उनके पिक्चर्स ऐड कर दूंगा, तो आप देखिएगा और बताइएगा कि मेरी पेंटिंग्स कैसी हैं। कुरियर लगाना था ना, एक्चुअली उनका पता मिस हो गया है, मतलब तो मैंने उनसे फिर से एड्रेस मांगा, क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं कुरियर लगा दूंगा, तो एड्रेस मांगे हुए 1.5 घंटा हो गया है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों, कहीं उसने अपना माइंड तो चेंज नहीं कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी पेंटिंग नहीं खरीदेगा मुझसे? कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है मेरे खिलाफ़ ये कि पेंटिंग बनवाओ, पैसे ना दो, पेंटिंग मत उठाओ? अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? कोई है नहीं क्या? अरे यहाँ तो कोई नहीं, कोई है? हेलो, क्या पेंटिंग है? पेंटिंग नहीं यार, एक बार पहले भी तो, 2 दिन बाद पहले भी तो बेच चुके हैं, टूटेगी नहीं। कोरियर लगा दो, कब तक पहुंच जाएगी? दिल्ली जानी है तो भैया परेशान हो गए कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, तुम ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे हेलो भी बोल सकते हो। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी बजा शाम का 7:15, और देखो गौ माता फिर आ गई हैं, गेट पे खड़ी हैं। तो अब आज है क्योंकि ट्यूसडे, तो अपन जा रहे हैं मंदिर, और एज यूजल हेलमेट अभी भी टूटा हुआ है, जुड़ा नहीं है, तो चलिए मिलते हैं आपसे मंदिर में। Thank you.
22 बज रहा है रात का 8:50 और हम लोग आए हैं पीने चाय। तो ये देखिए आ गई मेरी चाय और यस आई एम अ ब्लॉगर साहब। और पीछे मम्मी हैं और भाभी हैं, वो दुकान अंधेरे में दिख रही हैं, और बुआ भी हैं। बुआ हेलो बोलो। हेलो। चाय पी रहे हैं, चाय पीने आए हैं आईटी गेट पे। हाँ तो हम लोग आए हैं चाय पीने और बस रैंडमली आ गए हैं चाय पीने, तो बस अब चाय पी रहे हैं। तो ये देखो चाय है, झूठ नहीं बोल रहे, चाय ही है। ये कप है नेस्कैफे का लेकिन इसके अंदर है चाय। तो गाइस चाय वाय पी के भी हम लोग अब आ गए हैं और अभी बन रहा है हमारे यहाँ बैंगन का भरता। तो ये चूंकि एक ही बैंगन है तो इसलिए कच्चा बैंगन का भरता बन रहा है, तो देखते हैं अभी क्या बन के तैयार होता है। और ये इधर शायद चढ़ी हुई है दाल, और या हमारे यहाँ एक टाइम पूरा खाना जरूर बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी। मोस्टली दिन में बनता है, बट जब जिस दिन दिन में नहीं बन पाता है फिर उस दिन रात में बनता है। अब चूंकि इस समय हम लोग बालाजी होके आए हैं तो चावल खाना नहीं है, तो बस चावल हटा के अलावा बाकी फिर दाल रोटी और सब्जी तो बनेगी बनेगी। सो गाइस अब अपन जा रहे हैं डिनर करने। तो ये रहा आज का डिनर, एकदम बिल्कुल प्यार लहसुन मसाला मुक्त। तो ये रहा सात्विक भोजन, तो बैंगन का भरता है और ये बुकनू है, ये थोड़ा सा मिक्स सब्जी है, दाल है। सो फाइनली अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सो वेलकम बैक गाइस, सो नाउ इट्स फाइनली टाइम टू सम अप द ब्लॉग। तो बस अभी बच गया है रात का 11 और बस अभी सोने की तैयारी में हैं। एक्चुअली सोएंगे नहीं इतनी जल्दी, ये मतलब सबको पता है, और बट स्टिल अब ब्लॉग तो एंड करना है ना। तो अगर आपको आज का मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दैट्स लाइक रियली वेरी डिसहार्टनिंग। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, और आई नो आई कैन डू मच बेटर, बट आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। सो फिर प्लीज़ ध्यान में रखें और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।